जयपुर में एक बार फिर से ध्रुवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कंपनी का समय पूर्ण होने के बाद भी प्रोजेक्ट का कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया। इसको लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पिछले दिनों दौरा भी कर नाराजगी जाहिर की। वहीं अब इस प्रोजेक्ट को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा इस प्रोजेक्ट में बड़ा पाप कर गई, जिसकी वजह से जयपुर शहर की जनता को खासी परेशानी उठानी पड़ी। खाचरियावास ने कहा कि पहले ये नदी कच्चा नाला था, जिसे पानी प्राकृतिक रूप से रिचार्ज होकर जनता को मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसे पक्का कर दिया, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी अब इकट्ठा होकर बदबू मारने लगा है। जी आप बता दूं कि प्रताप सिंह खाचरियावास हो या यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हो, इन्होंने क्या किया कि ये कच्चा नाला था तो या इसमें से पानी बहता था तो पानी रिचार्ज होकर और साफ भगवान ने सिस्टम किया है, पानी रिचार्ज होके पहुंचता था बोरिंग तक। अब उन्होंने उसको पूरा पक्का कर दिया। अब वो जो कहते थे हम ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह कुछ, तो ये आप आधा अधूरा काम छोड़ गए, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो गई। इस मामले में पूरी तरह से धारीवाल जी ने अभी दौरा भी किया था, जांच करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट शुरू से, क्योंकि आसपास जो कॉलोनियां बसी हुई है वो बदबू से इतनी परेशान है, पानी रुक गया है, रोकने से ज्यादा अब आगे वो गोनेर और उधर जो पानी देते थे खेतों में, वहां पानी रुका हुआ है। वो खेतों के लोग भी मेरे से आकर मिले, तो पानी चलता रहता था तो ठीक रहता था, अभी वो पानी रुका हुआ है। इस मामले में मैं धारीवाल जी के साथ भी बैठूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी बताऊंगा। अब जो प्रोजेक्ट बन गया उसको तो पूरा हम करेंगे, यदि हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये दिक्कत हो जाएगी कि जयपुर के लिए संकट हो जाएगा। लेकिन अब इस मामले में सारी क्या हो सकता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस मामले की सारी जांच जो भी हो सकती है।